humans and other animals like the disease caused by microorganisms are known as malaria tb typhoid etc it can damage to water bodies the algal blooms hold the water you have seen that it becomes green on the stagnant water and because of that algal bloom the bod decreases uh, bod increases as a result the lower organisms aquatic organisms doesn't get enough oxygen because all the oxygen which is dissolved in water is consumed by this algas. फंगस कैन कोज डिस्ट्रक्शंस टू द क्लोथ पेपर एंड लेदर ऑन द स्टोरेज एंड इट कैन कोज द डिजीज इन प्लांट्स लाइक द सिट्रस कनेकर अस्टोफीट एक्सेट्रा नेक्स्ट इज सूक्ष्मजीवी हानिकारक प्रभाव क्या क्या है इसके अंदर जो है ये हमारे खाद पदार्थों को संदूषित कर देते हैं खराब कर देते हैं मानव को अन्य जंतुओं में जैसे बीमारियां ला देते हैं मलेरिया टी टाइफाइड ये सब सूक्ष्म जीवों से होती है जलाशय में जो है ये विनाशकारी होते हैं शैवाल का फैलना पूरा पानी जो के ऊपर जो एक हरी परत सी बन जाती है जिसके कारण जो भी पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज़ कर लेते हैं जिससे उसमें रहने वाले जीवों को नहीं मिलती और वो मर जाते हैं आपके कपड़ों में कवक द्वारा या चमड़े के कप जो है चीज़ें या कागज़ सबको ये खराब कर देते हैं पौधों के अंदर भी ये बीमारी करते हैं जैसे कि नींबू कैंकर गेहूँ में रस्ट ये भी जो है सूक्ष्म जो द्वारा होने वाली बीमारियाँ हैं नेक्स्ट इज सो वी हैव लर्न अबाउट द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माई अलॉन्ग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूज बिसाइड दिस सम माइक्रोनिज्म वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज एज शोन इन द अबो हमने अभी बात की थी हार्मफुल वेज की उससे पहले पिछली वर्कशीट्स में हमने उनके मेडिसिनल और कमर्शियल यूज़ के बारे में बात की थी सो इन दिस द माइक्रोनिज्म हार्मफुल इफेक्ट्स एज पॉयलेज ऑफ फूड एल्गल ब्लूम damage to cloth and leather item etc so the disease causing microorganisms are known as pathogens okay you must have seen the labs on which it is written path labs because they diagnose the disease caused by the pathogens pathogens are transmitted from one person to another by means of contaminated food water air soil physical contact and through vectors vector means the different small organisms लाइक यू कैन से मस्किटो इज़ ऑल्सो विक्टर हम जो है उपयोगी सूक्ष्म जीव और उनके औषधियों के बारे में पढ़ चुके हैं इसमें जो है आज हम हानिकारकों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या हानिकारक जो है सूक्ष्म जीव हमारे लिए हो सकते हैं तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि हमारे अंदर जो है रोग उत्पन्न करते हैं खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं जलाशयों को खराब कर देते हैं तो ऐसे जो है रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनको रोगाणु कहा जाता है यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो है हवा के द्वारा रक्त के द्वारा भोजन के द्वारा और सीधे संपर्क में आने से फैलता है इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम write any three harmful effects of microorganism spoilage of food causes disease in human and other animals and damage to water bodies why is it as advised to keep the food covered food should be covered to protect it from contamination by microorganisms So, what are pathogens how they are transmitted the disease causing microorganisms are called pathogen एंड दिस पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाई वेरियस मीन्स लाइक कंटेमिनेटेड फूड वाटर एल्सोयल फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू फैक्टर्स नेम टू डिजीज कॉज बाई माइक्रोनिज्म लाइक मलेरिया टीबी एंड टाइफाइड नेक्स्ट इज सूक्ष्मजीवियों में कोई भी हानिकारक प्रभाव लिखिए तो अगर प्रभाव की बात करते हैं तो भोजों भोजन का संदूषण मानव और अन्य जानवरों में बीमारियों का कारण और जलाशय निकायों को नुकसान सूक्ष्म द्वारा जो है हम भोजन ढक के क्यों रखते हैं ताकि उसको संदूषण से बचाने के लिए भोजन को ढकना जरूरी है संदूषण मतलब ख़राब होने से रोगाणु किन्हें कहते हैं संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने वाली बीमारियों को पैथोलॉज पैथोजन कहा जाता है यह रोगाणु भी कह सकते हैं हम इसको पैथोजन इंग्लिश का शब्द है ये रोगजन एककृत व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में दूषित रक्त जल वायु मृदा इन सब चीज़ों से फैलते हैं दो बीमारियों के नाम लिखने हैं हमने मलेरिया टी और टाइफाइड तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है तब देखने के लिए धन्यवाद डू लाइक सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स टू तो सब्सक्राइब थैंक यू